कॉकटेल को खड़का हल्का सा ठक ठक कर, क्या क्या बात है भाई, मार जिंदा है कि नहीं? दो सौ छत का हाल हो रहा है, बहुत ज्यादा गंदा। तीन चार पांच दिन बल्कि 10 दिन हो गए सफाई नहीं हुई। सफाई करते हैं, रात का टाइम है। ये शीटें भी जो है ना, अभी एक आधी बारिश में रखा लोर होनी है, इन शीटों को थोड़ा सा टाइम और देते हैं। बाकी ये है कि सारे खाने के बर्तन वगैरह पहले निकालने पड़ेंगे और फिर ही आगे हम सफाई को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा अभी भी सफाई हो रही है और ये सारे बर्तन इनके जो है ना बहुत केयर करनी पड़ती है, घंटों के हिसाब से लग जाते हैं। और हमने छत भी हम धोते हैं सर्फ के साथ। दोस्तों छत तो हो गई है साफ सुथरी और तो देखें कॉकटेल कितने मजे का बोल रहा है और जो है ना सीटियों की आवाज़ें निकाल रहा है। अंदर अंधेरा पता नहीं कैमरे में क्यों नज़र आता है। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता अब शीटें हटती जाएंगी और इसको भी मैंने अब पेंट करना है। कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा, तो एक एक खाना जब पेंट करेंगे तो साथ साथ शीटें हटा देंगे, फिर हमें बाहर से ही परिंदे जो है ना सही नज़र आया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दोस्तों रात का तो आपने सीन देखा ही है, कैसी देखे साफ सुथरी छत हो रही है। और अयान मुर्गों को छोड़ रहे हो नीचे? चारों को जो जो नीचे छोड़ने थे, अंडा दिया मुर्गी ने? नहीं, ब्राउन ने नहीं दिया। अंदर रखोगे? यहाँ रखा हुआ जी। अयान अंदर की सेटिंग करने लगा है और चलो करके देख लेते हैं। वैसे अब तो कोई फायदा नहीं दोस्तों, एक हमारे दोस्त ने कहा कि आप ये जो दरख्त आपने लगाया हुआ है ये हटा दें, इस दरख्त की वजह से आपके कॉकटेल क्रॉस सही नहीं करते, क्रॉस सही नहीं करते तो फर्टाइल नहीं होते अंडे। तो अब ये इसको हम देखते हैं क्या सेटिंग करनी है, इसको हटा के हैं और इसकी जगह कुछ और लगाते हैं। स्टिक वैसे मैंने मंगाई तो है, तो करते हैं कोई सेटिंग इसको। यार फिर बाहर ही निकालेंगे क्या? हाँ। दोस्तों इसको दरख्त को निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये फिंचेस जावा वगैरह उड़ जाएंगी, पूरा गेट खोलना पड़ता है और ये डर जाते हैं इसको देख के ना। तो ये ऐसा हम करते हैं कि स्टिक भी एडजस्ट करते हैं और इसको किसी और रुख से लगाते हैं कि ये इनसे दूर दूर रहे। यार वो कोना उधर करो और ये वाला इधर करो ना ज़रा, बस देखना कबूतरों के, वो कबूतरों ने भी तो अंडे दे दिए हैं, दे दिया होगा बैठे हुए जैसे। और वैसे तो अभी कॉकटेल के लिए भी बेकार है लगाना कॉकटेल, अंडे तो दे चुका है। ये 2-3 दिन देख लें फर्टाइल होने तक इंतजार करें अंडों का। फर्टाइल ये पापा भी तभी तो लगाएंगे। चलो अच्छा करो। ओह ये देखो सारे इधर आ रहे हैं। हाँ घुमाओ घुमाओ घुमाओ, हो गया हो गया हो गया। बॉक्स में बढ़ के जाए। बात सुनना मैं बताता हूँ, इधर से पीछे कर, इस तरह से पीछे कर ना, जगह है बस। थोड़ा ऊपर करके इसके ऊपर रखो लकड़ी के ऊपर। अब ये स्टिक लगाते हैं अंदर अयान, ये देखो हमने वो जो वो सामने है ना वो उड़ची वाली वो स्टिक, हाँ वो स्टिक नीचे वाली उस पे रखनी है। और दूसरा सिरा ये जो नहीं है ये बनी हुई, हाँ इसमें रखनी है। खोलूंगा तो मैं, आप कैसे खोलोगे? Thank you.
कहाँ लेके जा रहे हो? यार आ जाएगा ना बेटा। पहले रख के तो देख लो कहाँ करना है क्या करना है। आगे करो, उधर से इधर करो, बस छोड़ो, जोर दे के देखो, थोड़ा सा यूं कर दो, ये बॉक्स के पास चला जाए कॉकटेल के, और बात सुनो, ये प्लांट उठा के दरमियान में करो, वहाँ आगे करो, ये ऊपर वाली डंडी है ना, ऊपर वाली वो हाँ वो अगले उसमें ले जाओ, अगले खाने में टेढ़ा करो प्लांट। घुमाओ और बस अब स्टिक लगा दो। जाली से पीछे करो, बस ऐसे ठीक है ना, वो कॉकटेल जा भी सकते हैं ना। दिया अंडा? चलो दे देंगे, आज कल में दे देंगे। वो जो पीछे देखो, हाँ हो गया, बस सही, बाहर आ जाओ, खुद ही चले जाएंगे ऊपर, अब तो स्टेप बने हुए। ये पानी अंदर रखना है पहले, यहीं पे करीब ही रखना, बस चलो इनको दाना डाल दे सबसे पहले। नहीं हाँ से सारे बच्चे बाहर आ गए, प्लांट कहाँ रखना है, रखो ये लो, दरमियान में रख दो बिल्कुल, चलो अच्छा लगेगा। उनको पानी भी तो देना होगा ना, खाना डाल दो, दोस्तों बड़ी मुश्किल से अंदर सेटिंग हुई है, बस आप लोग दुआ करेंगे, ये जो है ना जो कॉकटेल हमारे बस फर्टाइल लग दे, हम मेहनत तो करें। यहाँ चूजों को निकालो ना, वो अपना वो वाला ले आओ। अच्छा। किस तरह करोगे खाना? अंदर ही डाले, अंदर ही डालो फिर। हाँ पहले पानी पिलाओ ना, पानी इनका रखता हूँ अंदर ही, छोटा वाला पानी उठाओ, फौरन तो बाहर भागती है, वाला अंदर रखो, पीने दे, खैर है कोई बात नहीं। वो अंदर ही है, उसकी टांग जरा बेहतर हुई है। हाँ चलो डालो, तो इधर लगा दो, काफी इतना बहुत ज्यादा है यार, क्या हो गया मैडम? क्या है, खाना खाना है, पानी नहीं पीना मैडम ने भाई, यहाँ सारी फिंचेस तो इस पे बैठी हैं, ये देखो कैसे बैठी हुई है बीच में घुस घुस के,
और खाने भी आ रहे हैं। कॉकटेल यार हमने इतना कुछ किया यार, कॉकटेल जरा भी बाहर नहीं आया। वो फिंच का बच्चा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, चला जाएगा ना यार। हाँ एक बैठा हुआ, ये भी चला जाएगा। एक वो दरख्त तीसरा किधर चला गया, ग्रे सा तीसरा, वो भी अंदर बैठा हुआ अपने घर में। घर में चला गया वो अपने घर में। यार इतने बड़े हो गए हैं ये। हाँ वो नीचे आ गया, पीछे बैठा हुआ है। ये रहा पापा, ये मेल है शायद से। देखो वैसे हमारे जो बच्चे निकले थे वो ग्रे ग्रे और वो फीमेल। ओ ये आया, ये आ गया। इसको पकड़ लो, वो गया, वो सबसे ऊपर गया। ये तो गलत जगह चले गया। खैर है कहीं नहीं जाएगा, वो भी निकल आएगा। ये मतलब अब सरवाइव कर लेंगे खुद यार। यहाँ पे प्यारी लग रही है मेरी। तो दोस्तों ये हमने बना दिया, ये देखें, ये स्टिक लगा दिया है, कॉकटेल के बॉक्स में जाने की जगह भी बना दिया है। और इस स्टिक पे अब ये ब्रीड वो करें क्रॉसिंग, तो फर्टाइल भी हो जाएंगे एग्स। सही है, वैसे छत इतनी गंदी कर दी अब तूने। कबूतरों को भी खाना पानी डालना। कॉकटेल को खड़का हल्का सा टक टक कर, क्या क्या बात है भाई, मार क्यों नहीं, जिंदा है कि नहीं। तो पापा जिंदा गुस्सा कर रहे दोनों बैठे हुए। चल ठीक है, आ जा, खाना भी दे दिया, पानी भी, बस ठीक है। यार दोस्तों हम किसी के कबूतर पकड़ते नहीं है और हमारे कबूतरों को कोई छोड़ता नहीं। हमारा काला वाला वो बच्चा देखें अभी तक वापस नहीं आया, मेरे इतने दिल के करीब था वो बच्चा जो है। और वो देख लें, वो लड़ाई हो रही है। मैं खाना लेके आओ, ट्रे में डाल के खाना रखूं मैं। ये देखें जी माशाल्लाह से, अरे बच्चे जो नए निकले हैं वो बड़े हो रहे हैं जल्दी जल्दी ना हमारे पास। अच्छा अच्छा, उस दिन ये वाला ब्लैक, दूसरा ब्लैक भी तो यहाँ गायब हो गया था ना। शाम को आ गया था ये, कहीं आसपास ही, ऊपर तो नहीं ना गया था ये, आसपास कहीं बैठा होगा, हमें नहीं नजर आ रहा होगा। थोड़ा है खाना ये देखें जी दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह। और ये वाला देखें, और ये गिदर भी है, इससे ऊपर भी दो हैं, इससे नीचे भी एक है, और इससे नीचे यहाँ भी था। किधर गया हुए? हाँ कहाँ है कालों का, किधर है कालों का? तो ये रहा, और इसको मार चुका, कल इसको खाना नहीं खिलाया था मैंने। छोटे डैडी का ना एक बच्चा यहाँ ऊपर रखा था, ये उसका है ना, छोटे डैडी का। हाँ छोटे डैडी का एक मर गया, एक मैंने ऊपर छोड़ा था। हाँ तभी ऊपर दो नजर आ रहे हैं। ऊपर वाला सही है? ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाले को खाना भी खिलाया, दोनों को खाना खिलाया। चलो यार ये का, ये तो कल का जल्दी का मरा हुआ है, हमने आपने कल देखा नहीं है। चलो यार इसको फिर दफना के आओ। दोस्तों अब ये मैं इसको दफनाने लगा हूँ यहाँ पे, इससे पहले मैं सफाई कर लूँ, बेचारा मर चुका है। काफी ज्यादा
तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज हमने वेरी की सेटिंग करी और ये हमारा बेबी पिजन भी मर गया। अल्लाह हाफिज़ जी।